सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन फॉर सीबीएसई को और बेल आइकन को दबाइए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 10 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में, चैप्टर नंबर 2 का। देखिए, हाउ आर इनवॉलंटरी एक्शन एंड रिफ्लेक्स एक्शन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। देखिए, इनवॉलंटरी एक्शन वे एक्शन होते हैं जो कि अपने से होते हैं, उन पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। मतलब कि यदि हम लोग चाहें कि यार चलो आज इनवॉलंटरी एक्शन को रोक लेते हैं, तो वो हम लोग नहीं कर सकते। मतलब कि इनवॉलंटरी एक्शन अपने से होते हैं, वे हमारे कंट्रोल में नहीं रहते हैं और उन्हें हम लोग चाह कर भी रोक नहीं सकते हैं। जबकि प्यारे बच्चों, जो रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं, ये हमारी मर्जी से होते हैं। मतलब कि ब्रेन से रिस्पॉन्स, स्पाइनल कॉर्ड से रिस्पॉन्स लेके होते हैं। जैसे कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है, जब हम लोग हॉट पैन को छूते हैं तो हम लोग झट से हाथ हटा लेते हैं, तो वहाँ पे हमारा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो प्रोसेस किया, मतलब वो मैसेज दिया किसे, रिले नर्व्स के जरिए मोटर नर्व्स क्या करती है, वहाँ पे एक्ट करती हैं, तो हम लोग अपना हाथ हटा लेते हैं। लेकिन जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जब हमारा फूड डाइजेस्ट होता है, जब हमारा भोजन डाइजेस्ट होता है, तो क्या हम लोग उसमें ब्रेन से कुछ इंफॉर्मेशन लेते हैं? मतलब कि ऐसा हमारा ब्रेन तो कोई नर्व्स भेजता नहीं है। तो हमारा ब्रेन जो होता है वो उसे कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ ब्रेन ने कंट्रोल किया किसमें, इनवॉलंटरी एक्शन को, जबकि रिफ्लेक्स एक्शन में हमें रिस्पॉन्स मिलता है कि अब हमें ऐसा करना है, लेकिन किसके जरिए, स्पाइनल कॉर्ड के जरिए, ठीक है। और बाकी ये रहा आपका, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट नर्वस सिस्टम एंड हार्मोनल मैकेनिज्म फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे हम यदि देखें कंट्रोल, मतलब जो नर्वस सिस्टम होते हैं और हार्मोनल सिस्टम होते हैं उनके बारे में। नर्वस सिस्टम कहाँ पाए जाते हैं, हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। हार्मोनल सिस्टम भी हमारे बॉडी में पाए जा सकते हैं। तो यदि हम लोग अपने बॉडी से क्या करें, कंपेयर करें, तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। देखिए, जो नर्वस सिस्टम होते हैं इनके पास क्या होती है, इनकी बेसिक यूनिट क्या होती है, न्यूरॉन्स होती है। जबकि हार्मोनल सिस्टम में हार्मोन्स की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एक्शन ले पाते हैं। जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है, इसमें जो हमारा मैसेज होता है वो कैसे ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के जरिए। जबकि हार्मोनल सिस्टम में कैसे होता है, ब्लड के जरिए होता है। अब जो नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स होता है वो जल्द ही ख़त्म हो जाता है। मतलब कि अभी मैंने हार्ट पैन पे अपना हाथ रखा, ठीक है, तो उसने स्पाइनल कॉर्ड ने रिस्पॉन्स दिया, भाई हटा लो, तो मैं उसे क्या करूँगा, हटा लूँगा, तो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए चेंजेस आया। लेकिन हार्मोनल सिस्टम में यदि आप लोग को याद हो कि जब थायरॉक्सिन की कमी हो जाती है तो गायत्र हो जाता है, उसमें आपका नेक जो होता है, गला जो होता है, वो फूल जाता है। तो ऐसा तो है नहीं कि तुरंत फूला भैया, तुरंत बंद भी हो गया, मतलब ठीक ठाक भी हो गया, ऐसा तो होता नहीं है, वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है। तो इसका जो रिस्पॉन्स रहता है हार्मोनल सिस्टम का, वो बहुत ही लॉन्ग पीरियड के लिए रहता है, जबकि नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए होता है। तो ये तीन बातें आप लोगों को मेनली याद रखनी है, खास करके यूनिट और हार्मोनल ग्लैंड के। हार्मोनल जो होते हैं, मतलब जितने भी हार्मोन होते हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं, किसी एक ग्लैंड वगैरह में पाए जाते हैं। जबकि ये कहाँ पाए जाते हैं, ये तो भैया न्यूरॉन्स है, तो हमारी पूरी बॉडी में ही फैले रहते हैं, ठीक है। वाट इज डिफरेंस बिटवीन, यदि किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। वाट इज डिफरेंस बिटवीन द मैनर इन विच मूवमेंट टेक प्लेस इन सेंसिटिव प्लांट एंड मूवमेंट इन योर लेग। तो हमारे लेग में जो मूवमेंट होता है उसमें मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है। मतलब कि हमारी नर्व आई, कहीं देखो भैया नीचे तुम्हारे कुछ है, तुम क्या करो कि मसल्स जो होती हैं उन्हें कहती है कि तुम क्या करो, तुम कॉन्ट्रैक्ट हो जाओ। तो मसल्स में कुछ प्रोटीन का रिएक्शन होता है, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये निकलता है कि आपका पैर उठ जाता है। नहीं विश्वास होता है तो आप लोग क्या कीजिए, अपना पैर अपनी चारपाई पर से या फिर बेड पर से लटकाइए नीचे की तरफ। अब उसे ऐसे उठाए रखिए कुछ देर तक। जब आप लोग कुछ देर तक उठाए रखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा मेरी मसल्स दर्द कर रही हैं। तो ऐसा तो अगर भैया आपकी हड्डी अपने से उठती तो आपकी हड्डी दर्द होनी चाहिए थी, पर मसल्स क्यों दर्द हो रही है? क्योंकि प्यारे बच्चों, रिएक्शन जो होता है प्रोटीन्स का हमारे मसल्स में, वो ये रिजल्ट करता है कि मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, और उसका परिणाम ये निकलता है कि आपका पैर उठ जाता है। जबकि सेंसिटिव प्लांट में क्या होता है, सेंसिटिव प्लांट कौन, जैसे मिमोसा पोडिका, यानी कि द टच मी नॉट, छुई मुई, जो भी आप लोग उसे कहते हैं। तो जो मिमोसा पोडिका होता है, उसकी जो लीव्स होती है उनमें क्या होता है, वाटर होता है। जब हमारे हाथ की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स वहाँ से ट्रेवल करती हैं तो डिफ्यूज हो करके कहाँ पहुँच जाते हैं, बीच में आ जाते हैं, जिसकी वजह से उनकी पत्तियाँ
सिर्फ उड़ जाती है। तो ये सब तो हमने वीडियो में देखा ही था बहुत ही अच्छे से। यदि आप लोग नहीं देखेंगे तो आप लोग कुछ नहीं समझ में आ रहा होगा, ठीक है, फिर भी प्यारे बच्चों आप लोग जाके देख लीजिए। तो इस तरह से यार जो सेंसिटिव प्लांट होता है उसका रिस्पॉन्स और हमारे लेग का रिस्पॉन्स अलग अलग होता है, ठीक है। तो बस इस तरह से आपका चैप्टर का पूरा एनसीईआरटी सोल्यूशन खत्म होता है। मुझे उम्मीद आप लोग समझ में आओगा, पीछे वाली वीडियोज़ में भी मैंने सॉल्व कराया तो आप लोग उसे भी जा करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू, जय हिंद जय भारत, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगले वीडियो के लिए हमारे चैनल पे आप लोग विजिट कर सकते हैं।